टुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के चमोली में सीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने सड़क शिक्षा से संबंधी समस्याएं रखी हैं। इस दौरान सीएम ने लोगों की दिक्कतें जल्द दूर करने का भरोसा दिया है। सीएम ने अधिकारियों को लोगों की परेशानी दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि सरकार गैरसैंण को लेकर सजग है और इसके लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन गैरसैंण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। हम कोई भी विकास कार्य अगर करना चाहते हैं किसी भी स्थान पर, तो उसके लिए पहले जरूरी की जो अवस्थापना सुविधाएं हैं वो वहाँ पर पर्याप्त हो, और इसलिए गैरसैंण हमारा भविष्य का एक, हम चाहते हैं कि गैरसैंण एक हमारा विकसित स्थान बने, एक अच्छी तरीके से उसका विकास हो। इसलिए हमने जो पहली जरूरत उसके लिए मुझे महसूस हुई कि वहाँ पर पर्याप्त पानी होना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर व्यवस्था की है। ये पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर आए, हमने उनका स्वागत किया, और उसके साथ साथ हमने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं थी और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ का था गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का, मैंने उस पर ये अनुरोध किया है अपने ज्ञापन में, प्रार्थना पत्र किया है कि जो गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए। तो उत्तराखंड में लगातार सियासत का दौर चलता रहता है। अब से पहले भी कई तरीके की सियासत, कई तरीके के आरोप देखे गए हैं। उत्तराखंड के चमोली में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता दरबार लगा है। जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने सड़क शिक्षा से संबंधी कई तरीके की तमाम परेशानियां रखी हैं और उन बातों को उन्होंने जल्द दूर करने की बात भी कही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता के सहवाल जुड़ चुके हैं। के आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, तो किस तरीके से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और क्या कुछ आश्वासन सीएम साहब ने दिया? जी देखिए, पहले तो उन्होंने लगभग 12 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसके बाद जो जब जनता दरबार लगा तो उसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग पहुंचे थे उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि खासतौर पे सड़क, बिजली और पानी की समस्याएं मुख्य थी, और एक जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आई वो जो टीचरों की कमी है स्कूलों में, वो समस्या भी एक बड़ी समस्या जो है बन के आई सीएम के सामने। तो इस सब तरीके की मांगों को लेकर के जो है लोग आज जनता दरबार में पहुंचे थे। 900 से अधिक जो है जो शिकायतें और लोगों की तरफ से सीएम दरबार में आज पहुंची, लेकिन आज उनका यहां पे रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में तब्दीली हुई है। उन्होंने कहा कि जितने लोगों को मैं यहां पे सुन पाया हूं उसके अलावा भी जब मैं आगे यहां से वापस जाऊंगा तो सबकी शिकायत अपने साथ लेके जा रहा हूं और सबकी शिकायतों की सुनवाई होगी। साथ ही साथ के आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे सीएम के सौजन्य से, क्या कुछ ऐसी शिकायतें भी थी जो हाथों हाथ उनका निस्तारण किया गया हो, उनका निवारण किया गया हो? देखिए, इस तरह की शिकायतें जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सड़क, बिजली और पानी की थी। एक रम्माण, एक क्षेत्र जोशीमठ का एक क्षेत्र है, क्षेत्र में एक जगह है वहाँ पे रम्माण होता है, वहाँ पे एक मार्ग बनाने की लोगों की मांग थी, उसको हाथों हाथ वहीं पे स्वीकृत कर दिया गया। इसके अलावा कई घोषणाएं भी सीएम ने करी। घोषणाओं में जो था वो एक ऑडिटोरियम गोपेश्वर में बनने की बात कही गई, घोषणा में रखी गई है। गैरसैंण में एक जो है झील बनाई जाएगी, पर्यटकों के लिहाज से एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील बनाई जाएगी। इसके अलावा नंदप्रयाग घाट और कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग की चौड़ीकरण की भी घोषणा करी। इसके अलावा कई सारी छोटी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे की गई, और उन्होंने कहा कि मैं घोषणाओं में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, जो है सीधे जो है काम करने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। इस तरह से ये देखिए, आपसे एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये घोषणाएं की जा रही थी सीएम के माध्यम से गैरसैंण को लेकर, बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, ये जो विधानसभा चुनाव हुए पूर्व, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में, तो इसे लेकर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का जिक्र किया गया था। अब उस स्थायी राजधानी बनाने के नाम पर लगातार आश्वासन, दावे, वादे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर जो विपक्ष है वो भी उग्र होता हुआ नजर आता है, तो इसे लेकर क्या कुछ ऐसा पुख्ता आश्वासन दिया गया है कि गैरसैंण को जल्द से जल्द स्थायी राजधानी घोषित किया जाएगा? देखिए, गैरसैंण के मामले पे सीएम एक तरह से कहें तो मौन दिखे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि केवल एक घोषणा की गई है गैरसैंण के लिए कि जो है
वहाँ पे झील बनाई जाएगी पर्यटकों के, तो उस लिहाज से एक जो लोगों की बहुत लंबे समय से मांग रही है कि पहाड़ी क्षेत्र की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए, उस लिहाज से गैरसैंण को अगर आज सीएम के यहाँ पे आने की बात करें तो कोई ऐसा बहुत बड़ी घोषणा या उस तरफ उन्होंने कोई अपना रुख साफ नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि हम पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें कर रहे हैं और आगे भी जो है, क्योंकि चमोली एक ऐसी जगह जहाँ पर कि बद्रीनाथ है और पर्यटन के लिहाज से और तीर्थाटन के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, तो सड़कों का और अन्य सुविधाओं का जो है विस्तार किया जाएगा। यूके की तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।